नमस्कार, मैं हूं दिवांशी मोइत्रा। कोविड 19 आज पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। इसी के साथ अब शक्तिशाली देश WHO की खूब आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर WHO कोविड 19 को लेकर पहले ही सजग हो गया होता और सही एडवाइजरी जारी कर आगाह कर दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन WHO चीन की खुशामद और तारीफ ही करता रह गया और चीन के लोग पूरी दुनिया को कोविड 19 से संक्रमित करते चले गए। तो आज हम अपनी स्टोरी में बता रहे हैं कि आखिर WHO की क्या क्या गलती रही जिसकी वजह से आज दुनिया में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हम सबसे पहले बताते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या भूमिका है। तो आप जान लीजिए कि WHO किसी बीमारी या इलाज से नहीं जुड़ा है बल्कि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य जरूरतों की निगरानी करता है और दुनिया को खतरों से आगाह करता है, बीमारी की पहचान करता है और उसके फैलाव को रोकता है और उस मर्ज से लड़ने के तरीके खोजता है और दुनिया को बताता है। लेकिन इस बार कोविड 19 के मामले में आलोचना इसलिए हो रही है कि WHO ने सही भूमिका नहीं निभाई। कोविड 19 जब चीन के शहर वुहान से उठा तो रिसर्च और पक्की जानकारी के बगैर ही WHO ने कह दिया कि ये बीमारी इंसान से इंसान में नहीं फैलती और यही गलती WHO की पहली गलती थी। लोग चिंतित नहीं हुए और अपने कामकाज में लगे रहे, इस तरह बीमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल गई। दूसरे विशेषज्ञों की माने तो WHO जैसे बड़े संगठन इस तरह गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकता है कि वो किसी बीमारी की जांच किए बगैर कैसे जानकारी दे सकता है। विशेषज्ञों की माने तो जब WHO को खुद ही जानकारी नहीं थी तो उसे इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जब वुहान में इस अजूबे बीमारी की तेजी से फैलने की खबर आई तो कई दूसरे देशों ने अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर चीनी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए। WHO ने उन देशों की आलोचना की और कहा कि इस तरह की दुनिया के देशों को हरकत नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। इसका असर ये हुआ कि कोविड 19 को मौका मिला और नई सीमाएं मिली और जगह जगह ये पहुंच गया। इसका असर ये हुआ कि पूरा यूरोप इसकी जद में आ गया और लोग मरने लगे। ऐसे में गुस्साए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की आलोचना की। जवाब में WHO के चीफ ने अमेरिका की आलोचना की, ये WHO की दूसरी गलती थी क्योंकि जब चीन में बीमारी चरम पर पहुंच गई और खुद चीन ने वुहान को दुनिया से काट दिया और ये सब तब हो रहा था जब खुद WHO के चीफ और उनकी टीम चीन का दौरा करके आ चुके थे। दूसरे विशेषज्ञों ने जब चीन की आलोचना की और कहा कि चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों इस रहस्यमय बीमारी के बारे में नहीं बता रहे और तुर्रा यह है कि इस रहस्यमय बीमारी के बारे में बताने वाले चीनी डॉक्टरों को खुद चीनी सरकार ने कैद कर लिया जिनकी बाद में मौत हो गई। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि चीन ने दुनिया को अपनी रहस्यमय बीमारी के बारे में बताया तक नहीं और हैरानी तब हुई जब WHO ने चीन के रुख पर संतोष जताया और कहा कि चीन वायरस से सही तरीके से निपट रहा है। आलोचकों का कहना है कि जब पूरी दुनिया कोविड 19 से हलकान है ऐसे में चीन की WHO ने तारीफ और क्लीन चिट क्यों दी। WHO की ये तीसरी गलती। विशेषज्ञों की माने और आज की तारीख में आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि जिसने WHO की बात मानी वो बुरे दौर में और जिसने नहीं मानी उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है और सिंगापुर और जापान इसके उदाहरण है। कुछ हद तक भारत का भी नाम लिया जा सकता है। WHO ने कोविड 19 को 11 मार्च को महामारी घोषित किया लेकिन इससे पहले ही भारत ने एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी शुरू कर दी थी। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो अगर भारत WHO के निर्देश पर चला होता तो भारत के हालात कुछ और होते और यही कारण है कि अमेरिका में जितनी मौत की संख्या बढ़ती जा रही है उसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति दुखी होते हैं और गुस्से में आकर WHO की आलोचना करते हैं और इसी वजह से WHO का फंड रोक दिया गया है।